आज हम आपको दर्शन कराएंगे कुछ ऐसी निशानियों के जिनके बारे में अब तक आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन उसके दर्शन नहीं क्यों होंगे। पांडवों के अज्ञातवास के बारे में हम सभी ने सुना है, बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन आपने अज्ञातवास के दौरान जो खाने की सामग्रियों का उपयोग वो किया करते थे उसे शायद ही किसी ने देखा होगा। धर्म की आज की इस खास पेशकश में हम आपको पांडवों की कुछ ऐसी ही निशानियों के दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं गेहूं के दाने के। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे अपने जहन में बसा लीजिए, उतार लीजिए इसे अपने मन में हूबहू, क्योंकि ये तस्वीर आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी। ये अनाज का दाना है, ये गेहूं का दाना है। जी हाँ, हथेली से भी बड़ा और कई इंच मोटा ये दाना असली है। अभी तक आपने गेहूं के छोटे छोटे दाने तो ना जाने कितनी बार देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा गेहूं का दाना शायद कभी नहीं देखा होगा। द्वापर युग का गेहूं, 200 ग्राम का गेहूं का दाना। गेहूं के इस दाने का वजन है करीब 200 ग्राम। बेहद दुर्लभ इस दाने को देखकर यकीन नहीं होता कि क्या ये वाकई गेहूं का दाना है, लेकिन कहते हैं ना, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। इस दाने का इतिहास अगर आप जानेंगे तो हैरत से आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। पांडवों से जुड़ा है गेहूं, करसूब गांव में दुर्लभ गेहूं। कहते हैं ये दाना महाभारत काल का है। इस दाने का वास्ता पांडवों से है। इस दाने की कहानी भीम से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में गेहूं से लेकर कई और पैदावार का आकार इतना ही बड़ा हुआ करता था। पांडव अज्ञातवास बिताने के लिए जब हिमालय की वादियों में पहुंचे तो करसोग के ममेल गांव में उन्होंने कुछ वक्त बिताया था। कहते हैं उसी समय ये दाना यहाँ छुप गया। ये उस समय जो है इतनी अच्छी फसल हुआ करती थी त्रेता युग में कि गेहूं का दाना जो है वो 150 ग्राम तक का था, और उसी में से वो सब जगह तो नहीं हुआ, लेकिन जो ये देवस्थली है उस स्थान पर ही ऐसी पैदावार हुई है। उसमें से जो ये गेहूं का दाना आज भी यहाँ मौजूद रखा हुआ है। द्वापर युग तो काल के गल में समा गया, लेकिन ये दाना आज भी सही सलामत बचा रह गया अपनी कहानी सुनाने के लिए। द्वापर युग में भक्तों को अपने संग ले जाने के लिए 5000 साल बीत जाने के बाद भी ये गेहूं सही सलामत कैसे है, ये बात हैरान जरूर करती है, लेकिन इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। ममिल गांव में बने ममिलेश्वर महादेव मंदिर में ये दाना बड़ी ही हिफाजत के साथ रखा गया है, जिसकी हर रोज पूजा की जाती है। इस मंदिर में आज भी भक्त आते हैं तो इस दाने की पूजा करते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। जयसूत, करसोग, शिमला, आज तक। करसोग के ममेल गांव में जहां अज्ञातवास के दौरान ठहरे थे पांडव, जहां आज भी उनकी निशानियां मौजूद है, केवल गेहूं का दाना ही नहीं बल्कि वहां आज भी मौजूद है भीम का ढोल, जो कहता है कहानी भीम की वीरता की, सुनाता है कहानी भीम की शिव भक्ति की। ढोल देता है समृद्धि, ढोल मिटाता है भय, ढोल दूर कर देता है हर दुख। इस ढोल को गौर से देखिए। करसोग के ममलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद ये ढोल देखने में तो किसी भी सामान्य ढोल की तरह ही है, लेकिन इसे सामान्य समझने की भूल मत कीजिएगा। क्योंकि मान्यता है कि ये वो ढोल है जो सवार सकता है आपकी किस्मत, दे सकता है समृद्धि का वरदान, झोली में भर सकती है खुशियाँ अपरंपार। लेकिन इसके लिए दीवार पर टंगे इस ढोल पर देनी होती है थाप। जी हाँ, अगर यहाँ के लोग की माने तो एक थाप बदल सकता है आपकी तकदीर, लेकिन थाप लगाना नहीं है इतना आसान। मान्यता है कि अगर आपने इसे बजाने में सफलता हासिल कर ली तो फिर आपके घर आंगन में खुशहाली का आना निश्चित है। वैसे
इस खुशहाली के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है द्वापर युग की, जब पांडव अज्ञातवास में थे। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव करसुक के ममेल गांव भी पहुंचे थे, लेकिन जब वो यहां आए तो पूरे गांव में बकासुर नाम के दैत्य का आतंक फैला था। हर दिन उस दैत्य के लिए भोजन लेकर नगर से एक व्यक्ति को भेजा जाता था और बकासुर भोजन के साथ उस व्यक्ति को भी निवाला बनाता था। एक दिन उस घर की बारी भी आई जहाँ पांडवों का ठिकाना था। घर के मालिक की परेशानी जब कुंती को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे भीम को उस राक्षस के पास भेजने का फैसला किया। नगरजनों, नगर की सुरक्षा के लिए मेरी ओर से ये भेद स्वीकार करो। महाभारत काल में ये भी हिस्ट्री आती है कि जिस वक्त पांच पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ रहे, उस समय यहाँ पर बकासुर नामक राक्षस का राज्य था और वो हर रोज एक आदमी को अपना ग्रास मारता था और इसी करके इसका इस स्थान का नाम करसोग पड़ा। करसोग का मतलब है कि हर रोज यहाँ शोक होता था। फिर क्या था, महाबलशाली भीम के आगे विशाल काय बकासुर की एक भी नहीं चली। आखिरकार सालों से चल रहे आतंक का अंत हुआ और गांव में खुशहाली लौटी। कहते हैं कि उस खुशी के मौके पर भीम ने जिस ढोल को बजाया वो आज यहाँ मौजूद है। ये ढोल गवाह है उस युद्ध का, अधर्म पर धर्म की विजय का, और तब से इस ढोल को वही शख्स बजा पाता है जो बलवान होता है। जी हाँ, 6 फीट लंबे और 1.5 फीट चौड़े इस ढोल को भीम जैसा बलवान इंसान ही बजा पाता है। भीम को शिव का उपासक माना जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन ढोल बजाने से इसका दोगुना फल मिलता है। तभी भक्तों की भारी भीड़ शिवरात्रि के दिन यहाँ उमड़ती है और ढोल की थाप सुन खुद को धन्य मानती है। शिमला से जयसूद के साथ आज तक ब्यूरो। भीम का ढोल तो आपने देख लिया, अब हम आपको ले चलते हैं पिथौरागढ़, जहां आज भी भीम की गदा सुनाती है कहानी भीम की वीरता की। जी हाँ, महाबली भीम की गदा भक्तों को सुनाती है उनके अनगिनत वीरता की कहानी। अंधेरी राहों से गुजरता है रास्ता रहस्य रोमांच की उस दुनिया का, जहां पहुंचकर आंखें हैरत से खुली रह जाती हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, पथरीली जमीन और आड़ी तिरछी दीवारें, ऐसा लगता है जैसे किसी और ही लोक में पहुंच गए हैं। ऐसी ही एक दीवार में दिखता है वो हथियार जिसका वास्ता द्वापर युग से है, जिसका वास्ता महाबली भीम से है और जिसका वास्ता कुरुओं के अहंकारी योद्धा दुर्योधन से है। टीवी पर पहली बार भीम की गदा, ध्यान से देखिए इस गदा को, ये भीम की गदा है। जी हाँ, कहते हैं ये वही गदा है जो भीम का मान थी, अभिमान थी, और जिसे भीम ने इस गुफा में अपने हाथों से स्थापित किया था। पिथौरागढ़ की भोलेश्वर गुफा, यहां मौजूद है भीम की गदा। चट्टान में मजबूती से जुड़ी इस गदा में बसती थी भीम की जान। उनकी गदा की धमक से अच्छे अच्छे योद्धाओं के छूट जाते थे पसने और मैदान छोड़कर भाग जाते थे बड़े बड़े महारथी। उसी गदा को देख लीजिए आज। पिथौरागढ़ में भोलेश्वर में मौजूद इस गुफा में छिपी हुई है पांडवों की, खासकर भीम की निशानियां, और ये गदा उन्हीं निशानियों में से एक है। इसी गुफा में रुके थे पांडव, भीम करते थे शिव की पूजा।
कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी गुफा में आकर शरण ली थी। भीम यहाँ गदा रखकर महादेव की पूजा में लीन हो जाते थे। अज्ञातवास खत्म होने के बाद पांडवों के साथ भीम तो यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने निशानी के तौर पर गदा को छोड़ दिया। और एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ है, उसके बाद पांडवों ने जो भगवान के बारे में उनकी आस्था थी, तो उसमें विशेषकर भीम ने क्या है बहुत से शिवलिंगों की स्थापना की, जिसमें महाशिवलिंग विशेष हैं, जो कि इस गुफा के अंदर तो आपने प्रत्यक्ष देखे हैं, हजारों की संख्या से भी लाखों करोड़ों की संख्या में। कहते हैं यहाँ आज भी भीम आते हैं और महादेव की पूजा करते हैं। इस बात की गवाही यहाँ मौजूद ये हजारों लाखों शिवलिंग देते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें भीम ने अपने हाथों से बनाया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भोलेश्वर गुफा में मौजूद भीम की निशानियों तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। रास्ते में कदम कदम पर आने वाली मुश्किलें और गुफा में मौजूद खतरों के बीच भीम की गदा को देखने के लिए कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन यहाँ पहुँचने में जिसने भी कामयाबी हासिल कर ली, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद भीम का इन गुफाओं में आना, महाशिवलिंग के साथ अनेकों शिवलिंग की स्थापना करना और शंकर भगवान की पूजा पाठ करना, ये तमाम चीजें आस्था का विषय हैं और आस्था की चीजों को लेकर आपके मन में संदेह पैदा हो सकता है, सवाल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इससे हटकर बात करें तो गंगोलीहाट की इन गुफाओं का सौंदर्य अद्भुत है। इनकी प्राकृतिक संरचना वाकई स्तब्ध कर देने वाली है और कम से कम एक बार जरूर देखने लायक है। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ विवेक शुक्ला, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, आज तक। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र ब्रह्म मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं भोजन पचाने के लिए। कई बार ऐसा होता है भोजन कर लेते हैं लेकिन वो अपच सी होती है, ऐसा लगता है भारी भारी सा पेट रहता है, भोजन पकता नहीं, ठीक से पचता नहीं, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र निवेदन करता हूँ, फिर इसकी विधि बताता हूँ। मंत्र है ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मा समाधिना। इस मंत्र को प्रत्येक दिन लगातार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम चाहते हैं भोजन पच जाए, तो प्रत्येक दिन भोजन से पहले, जब भी आप भोजन करें प्रातःकाल या सायंकाल, भोजन से पहले भगवान को इस मंत्र को प्रणाम करके अगर नमस्कार कर देते हैं तो आप देखेंगे भोजन के बाद आपको भोजन पच जाएगा और आप हल्का अनुभव करेंगे। मित्रों मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूँ। मंत्र है ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मा समाधिना। इस मंत्र का प्रत्येक दिन आप भोजन से पहले जप करें, पाठ करें, उच्चारण करें, जिससे आपका भोजन पच जाए। और मित्रों अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों आज की जिज्ञासा है कि मंदिर में गुंबद क्यों? गुंबद होता है, एक आप देखते हैं मंदिर जो होता है उसको कलश जैसा एक बना होता है, उसे गुंबद कहते हैं। गुंबद के बिना मंदिर पूरा नहीं होता है, तो मंदिर उससे पूरा होता है और मंदिर की पूर्णता, मंदिर का आशीर्वाद मिलता है। कई लोग तो मंदिर अगर नहीं जा पाते हैं तो गुंबद को प्रणाम कर लेते हैं, गुंबद का वंदन कर लेते हैं, तो मंदिर में दर्शन करने का पुण्य इनको प्राप्त होता है। मंदिर में जो दर्शन करने का परिणाम या फल मिलता है वो गुंबद दर्शन से मिल जाता है, इसलिए हर एक मंदिर में गुंबद लगाते हैं। इससे मंदिर की पूर्णता होती है और भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है। भगवान प्रसन्न होते गुंबद बना दीजिए तो या तो ध्वज लगा देते हैं, एक पताका लगा देते हैं, अथवा गुंबद बना देते हैं, गुंबद परिपूर्ण होता है। जब भी आप मंदिर देखें या गुंबद बाहर से दर्शन करें तो आप दूर से प्रणाम कर दें तो मंदिर दर्शन का पुण्य, मंदिर दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों जब भी आप गुंबद देखें आप अवश्य प्रणाम करें। मित्रों इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही, बस प्रणाम।